आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। कोरोना संक्रमण भीषण हो गया है, मगर फिर भी टीकरी बॉर्डर के मंच से वक्ताओं के सुर में वास्तविक स्थिति की गंभीरता नहीं सुनाई देती। फिर चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो या किसान संगठन का नेता, आंदोलन के मंच से पंजाब के किसान नेता एवं संयुक्त मोर्चा के सदस्य बूटा सिंह ने कहा कि सरकार झूठ फैला रही है कि किसान बॉर्डर पर कम हो रहे हैं। हमारे दो काफिले जल्द चलेंगे, एक शंभू बॉर्डर से और दूसरा खनौरी बॉर्डर से। शंभू बॉर्डर से किसान सिंधु बॉर्डर पहुंचेंगे और खनौरी बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर पर आएंगे। किसानों ने जब भारत बंद किया तब पूरा भारत बंद करने का सभी ने समर्थन दिया। उन्होंने सभी संगठनों से पंजाब व हरियाणा से बॉर्डर पर फिर जमघट लगाने की अपील का आह्वान किया। हरियाणा व पंजाब में जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसे देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि 8 मई को दुकानें खुलवाएंगे, क्योंकि जब हमने भारत बंद का ऐलान किया था तब दुकानदारों ने हमारा समर्थन किया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।